व्यूअर्स, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरे दूसरे ब्लॉग पे। आज के ब्लॉग में हम और आप लोग मिलके रोइंग को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं इसी वक्त रोइंग में हूँ, आप देख सकते हैं रोइंग पहुँच गया। यहाँ से रोइंग बाजार 3 किलोमीटर है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रुकिए, आपको देखा था अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोट में, यहाँ में ये रोइंग 3 किलोमीटर मेन बाजार, और यहाँ से अगर यहाँ में दो रास्ता है, एक राइट की ओर जाता है यहाँ से, वहाँ से ओके, वहाँ से आपको 300 रुपया मिलेगा, 300 रुपया जाने का रास्ता, और शांतिपुर दोला से दिया, और जहाँ सीधा जाने से आपको तेजू मिलेगा, वहाँ से हुनली मेका डिगारू वो मिल जाएगा। गाइस यहाँ से रास्ता यहाँ से रोइंग जाएगा, और यहाँ से 300 रुपया ये रास्ता और वो आगे में है वेलकम गेट। बस ये गिरिनोद को आईफ अलंगा लिखा है, आपको थोड़ा अंदर दिखाता है अभी यहाँ का रोइंग का गिरिनोद को, वो देखिए आधी गिरिनोद को, ये जो गिरिनोद को जो आधी का है आधी ट्राइब्स का, और रोइंग में आपको आधी ट्राइब्स और इदू ट्राइब्स मिलेगा ज़्यादातर, बाकी बात तो मतलब डोमिनेंट है इदू और आधी आधी ट्राइब्स। और आपको पहले इसको दिखाता हूँ, शायद ये पोल है, ये ले बोला जो ना कुछ सामान रखने के लिए होता होगा, हमें दिखाएगा या मैं क्या लिखा है अडू गुडू नोट को रोइंग फाउंडेशन स्टोन लेड बाई श्री दोर्जी कांडू सर ने इसको बनाया था, और इनोग्रेटेड बाय पेमा कांडू। ये गुडू नोट को ये देखिए, हमें कुछ प्रोग्राम होने से सोलुंग, शायद सोलुंग यहाँ में मनाते आदि ट्राइब्स का, सोलुंग आदि ट्राइब्स का सोलुंग जो यहाँ पे रोइंग में 1 सितंबर को मनाते, एक्चुअली हर कोई 1 सितंबर को मनाते, लेकिन कोई कोई जगह में थोड़ा डेट चेंज होते है, और ये बाथरूम शायद से कुछ है। गाइस तो अभी हम लोग यहाँ से गिरिनोद को हो गया, उसके बाद अभी हम लोग मेन मार्केट जाएंगे, वहाँ से वहाँ का मार्केट कैसे है और आप लोग को ग्राउंड भी दिखाएंगे। और उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि रोइंग के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं। रोइंग एक छोटा सा टाउन है जो कि ये लोअर दिबांग वैली का हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट का लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है रोइंग जो। उसके बाद इसमें 2011 सेंसस के मुताबिक 11,300 का अराउंड में था पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो, और इसमें आपको डोमिनेंट ट्राइब्स आदि और इडू मिलेगा, बाकी तो थोड़ा कम है बाकी लोग का इन कंपेयर। और रोइंग का पिन कोड 792110 है रोइंग का, लोअर दिबांग वैली रोइंग का। इसके बाद रोइंग जो एक टूरिस्ट प्लेस है, आप यहाँ में आने से आप घूम सकते हैं, पासीघाट से यहाँ पे 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर आपको यहाँ पे जू देखने को मिलेगा, और पार्क भी है, और मायोडिया पास आप घूम सकते हैं ठंडे दिन में, और यहाँ में आपको उसके लिए होटल का सुविधा मिलेगा, मेन मार्केट में आपको होटल मिल जाएगा, वहाँ पे आप बातचीत करके हमें बुक कर सकते हैं। वही एक टूरिस्ट प्लेस है उसको, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने का चांसेस है क्योंकि मैं आपको रोइंग टाउन को पूरा दिखाऊंगा कि मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला चीज़ को रोइंग में ऐसे कुछ है, अगर आप आता है तो ये देख सकते हैं मेरा वीडियो का थ्रू, इसलिए आप मतलब स्किप नहीं करके वीडियो को कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि ताकि आप लोग को रोइंग का बारे में भी कुछ पता चले, जो अभी तक नहीं देखा है उसके लिए स्पेशली उसके लिए है। तो चलिए अभी हम लोग मार्केट चलेंगे, यहाँ से मार्केट की ओर आप लोग को दिखाएंगे। सर ये बैडमिंटन का है क्या, यहाँ पे कुछ पोस्टर डाल के रखा है, बैडमिंटन हॉल में क्या है ये भैया, क्या हॉल है ये,
और बैडमिंटन का ही क्या आप लोग क्या बना रहे हैं? ओ कुछ फंक्शन कौन सा एम एल ए? अच्छा इसीलिए ना यहाँ में हमेशा अभी भी खेलता है ना, अभी रुका हुआ है ये, अभी रुका हुआ है ना। बस ये रोइंग टाउन, अभी हम लोग पहुंच गया रोइंग टाउन। एक छोटा सा टाउन है रोइंग में, उतना अभी उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको आते ही यहाँ में आपको ये ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, आपको यहाँ से कहीं जाना हो तो आप यहाँ से ऑटो ले सकते हैं। ऑटो आगे जाके वहाँ पे मार्केट बाजार मिलेगा, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी मार्केट। आप यहाँ से अंदर जाके अब यहाँ से होटल का ढूंढ सकते हैं, यहाँ में आपको होटल ये सब मिल जाएंगे। अगर आप आते हैं तो आप अपनी से पूछ के आप ढूंढ सकते हैं। और अभी हम पहुंच गया सब्जी मंडी, यहाँ से ये है सब्जी मंडी। ओ भाई क्या हो गया? हम लोग मार्केट की ओर जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे सब्जी मंडी। हम भी थोड़ा सब्जी ले लेंगे सर, भैया लोकल मछली नहीं है ना? आ जाएगा लेकिन आज को नहीं आएगा, अच्छे नहीं आए लोकल मछली, 10 बजे की बात है वो। वहीं को कौन से बोला जो वहीं वहीं मिक्सर कितना? 20। दो भाग दे दीजिए। ये क्या है? यू अंगूर का या रोन्यांग ना? रोन्यांग 20 रुपया। आपको यहाँ पे 10 रुपया, 10 रुपया ना का मंगाई, आपको यहाँ पे 10 रुपया का सामान नहीं मिलेगा। सब 20 है, ये भी 20, धनिया और ही लोकल दो बाग। और नींबू, ये मिर्चा सुखाया वाला क्या है? ये आलू पापी, आलू पापी इसको हिंदी में क्या बोले पता नहीं, अंदर खड़ा लेना तो केरन हिम हिमा ये हिम नबो ये हिम बमाने का एकदम काबो दूंग नहीं मिला रेगा मांग पासीघाट ए टाकू टाकू अनो मकम दारंग गयम एरंग फोर्टी ओ यार सॉरी हिम कलर का मकुम तेन गम का बम दंग 50 वन साइए दे मां भाई। तो अभी आगे चलेंगे,
अभी हमें आपको क्या सब्जी लेनी चाहिए, मिर्चा को ले लिया, इनको इनको के लालन का मिर्चा है, ओ केरला, अच्छा केरला भी लेना है, हसियांग हसियांग कॉपी याद नहीं होगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, जैसे घूरते एप्पल ये सब मिल जाएगा आपको, ये यहाँ से केरला ले लेंगे, यहाँ से केरला को लाभ बोला है ये केरला पुराना हो गया, पुराना हो गया ना आपका केरला, पूरा नरम हो गया, ओहो ये भी पुराना हो गया क्या, ये कल का है, कल का किलो हिसाब से कितना, किलो 40 आपका, ये भी पूरा सूख गया, तो आई आई मतलब आई ना लो ने आपका भाई आपका खराब हो गया, नहीं तो ले लेना था, पूरा सूख गया, सूख गया ना आपका पूरा। भाई आलू का रेट अभी कितना, आलू का 30 हो गया, पुराना हो गया ना आपका, अरे कहाँ से मिलेगा, अरे यह भी मीट मजर, ये गौरी मीट है, अभी पुराना हो गया, अभी आपको नया रोटी को हो गया, को मंग करूँ, थोड़ा आगे जाएंगे, अभी यहाँ पे पूरा सब पुराना हो गया सब्जी, शायद गर्म दिन का वैसे ये ना आई मैं को माकू का डर, तब दे आपका ये भी पुराना हो गया क्या, कल हुकुम मंगे गए एक आना स्वीट पोटेटो उसका पट्टा नहीं गया, तेंगा तेंगा नहीं होता है क्या बनाने से, ये वाला ना तुम लोग का काम नहीं है, अरे यार कैसे मिलेगी। ये डेली मार्केट लाइन पूरा, चल
Mau kong kaya kaya la ai nga man bodu ne. Na bodu ka ek sath ha ai. Kitna bolte hai? Kilo ka? Abhi to hame 40 bol ke aa rahe hai. Kilo par wala wo chalani hoga. Hoga le. सेम तो है आपका क्या आपका बगान का ही है बगान का नहीं वहाँ से लाया ना बाहर से मैं को मई माना इधर मई ना काटू अच्छा वाला भी है किलो ना दो तीन तो किलो हो जाएगा होगा एक किलो हाँ नहीं होगा ये डर नहीं है एक किलो पोटी अभी अभी भैया जो पिप्ती बोल रहे लेकिन पोटी में देगा ना एक किलो देगा ना ज्यादा देगा एक किलो दे दीजिए कौन सा लगे तुम्हें तो बाहर से आया होगा ना यहाँ का ही है रोइंग का ही है नहीं नहीं हो जाएगा आ गया ना लोकल मछली चलिए पॉपुलर भाई बोते बोते नहीं मैं लोग कम मिलो यहाँ से लोकल मछली ला लेंगे ये देखिए भैया कौन सा नदी गए कौन सा नदी गए युवांग युवांग नदी का नदी किलो कितना भैया जी अरे मैं एकदम किलो बोला था मैं यही सब बात नहीं ले रहा है ये मछली बाजार पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुकुरी है आज अभी आया है 10 बजे को लोकल मछली हमें 10 बजे को आते हैं अभी पानी भरा होगा इसलिए मरा मछली अभी नहीं आ रहा है उतना छोटा छोटा आ रहा है ना होगा गंगा दो मोपे मोपे लोग को मिल गया मुंदर घर तो ना हरा हो मिल गए देखो आऊंगा कौन लॉबस्टर ये दे दो ये लंबा होगा ये गो फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल और उसका सामने वो बगल में है सेकेंडरी स्कूल और ये फील्ड फील्ड रोइंग का ये देखिए बड़ा है पर उतना नहीं है गाइस ये है हेलीपैड रोइंग का एक छोटा सा है हेलीपैड पूरा अंदर तो नहीं घुस पाएगा क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जाएगा वो लोग को उसके लिए यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देंगे ये हेलीपैड छोटा सा है और मेरा प्राइवेट चैट भी वही में आप लोगों को कैमरा में तो दिखाई नहीं देगा आप लोग भी अपना प्राइवेट जेट लेके यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ से अभी निकलेंगे और हम लोग सेली लेक की ओर अभी और नहीं सेली नहीं सेली बाद में दिखाऊंगा पहले आप लोगों को जू ओ जू नहीं ये पार्क है पार्क नाम तो पता नहीं पार्क का बाद में वैसे पूछेंगे उसके बाद आप लोग को दियो पानी ब्रिज दिखाऊंगा थोड़ा फेमस ब्रिज है वो वहाँ बहुत सुंदर भी है व्यू आकर अब वहाँ घूमने भी आ सकते हैं बोर लगेगा तो अभी पहुँच गया है ये पार्क में आप लोगों को जो दिखाना था इसका पार्क का नाम है जवाहरलाल नेहरू वन उद्यान पार्क इजी ब्रिज टावर रोइंग और ये पार्क जो जवाहरलाल नेहरू का याद में नाम में बनाया गया था यहाँ पे लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू वन उद्यान डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू अरुणाचल श्री आर ई प्रधान गवर्नर चलिए तो अंदर घुसते हैं अभी देखेंगे
शायद ये थोड़ा भरा हुआ है पार्क, इसे देख के लगता है अंदर से, अंदर में ये लोग भी घूम के आए। फिश ले, शायद फिश लेगा भाई, फिश लेते हैं। एक आदमी का दो का ना, और ये देखिए इसको काफी मैंने बहुत बार इसको फेसबुक में देख चुका है, लेकिन अभी देख रहा हूँ ये अभी रोइंग में है। यह में कुछ लिखा है सही, इसका नाम है लेट बुड्डी लिंगी स्कल्पचर ओपन इडू मिसमी। ये देखिए बहुत सुंदर सा पार्क बच्चों के लिए है, हाथी स्लाइड, हाथी का स्लाइड। जाइए और यहाँ में बहुत सारा बच्चों लोग को खेलने के लिए झूला जैसे बनाए, आप यहाँ में आके घूम सकते हैं। सो जब आप बोर होगा दिन में, वहाँ तक भी है बहुत बड़ा है। अभी थोड़ा हम लोग यहाँ में आ गए तो रेस्ट करेंगे, थक गया वो थक गया, मार्केट ये सब घूम गया। यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत सुंदर है, मतलब चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन। अब तो वीडियो में देख के अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ये जगह कितना मजा होगा। तो इनका ये पार्क, ये पार्क में बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए भी है। अब अपना अगर आप फैमिली वाला है तो फैमिली का साथ भी आ सकते हैं यहाँ में, मतलब ये फैमिली के लिए ही ये पार्क जो बच्चों लोग के लिए बनाया है। और यहाँ से आप ये नदी देख सकते हैं देवपानी, यहाँ से नज़र आप ले सकते हैं देवपानी का भी, वहाँ पे वो वहाँ पे ब्रिज है, बाद में आप लोगों को वहाँ से वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। वैसे ये देवपानी ब्रिज आप लोग यहाँ भी अगर रोइंग आते हैं तो आप यहाँ में भी घूमने आ सकते हैं। अभी बारिश दे रहा है इसलिए नज़ारा, मतलब बादल भी इतने क्लियर नहीं, वेदर ये देखिए। टाइम पास आप शाम को भी हमें घूमने आ सकते हैं, वो बैठने का जगह वो जो आप देख रहे हैं हमें शाम को बैठ सकते हैं, जब जब डूब निकलेगा यहाँ पे काफी हवा मारता है हमें ठंडा। और रोइंग उतना भी गर्म नहीं है इन कंपेयर टू मतलब दूसरा टाउन में, जैसे कि फासीघाट हो गया, ईटानगर आलो हो गया, उससे थोड़ा बहुत कम है, ये ठंडा है, इसमें मॉडरेट है। और रात को तो बहुत ठंड होता है। और ये मेरा दोस्त और ये मेरा ये भाई, हिंदी में क्या बोलेगा भाभी, भाभी हिंदी में भाभी। सभी हम लोग जाएंगे डेली लेक की ओर, वो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके ये रोड है हाईवे, हाईवे से आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि आपको सेली लेक यहाँ से जाएंगे। अभी हम लोग को सेली लेक की ओर ले जाता हूँ। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हम लोग सेली लेक की ओर, ये नीचे लेक है सेली लेक, बाद में आप लोग को नीचे जाके दिखाएगा। और ये सेली लेक देवपानी ब्रिज में आप के लिए जो वीडियो दिखा रहा है देवपानी, वहां से शायद 2 किलोमीटर समथिंग ही होगा सेली लेक, जो जगह थोड़ा व्यू देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मछली है बोले, इतना इतना
तो वैसे यहाँ का नजारा ऐसा कुछ है सेली लेक का, ये देखिए चारों तरफ मतलब घास ही घास, तो जंगल तय भी है, स्टेप बना के रखा है यहाँ में। और इसमें आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा बाद में, हम लोग को तो अभी नहीं लिए क्योंकि गेट में कोई नहीं था, तो अभी देख के बाद में जाते समय यहाँ का मालिक आएगा तो उसको दे देगा। वैसे मुझे तो पता नहीं है कि कितना लेता है एक आदमी का, अंदाजा नहीं है, सिर्फ यहाँ से मालूम दियो पानी से 2 किलोमीटर चलती ही होगा भाई, ऑटो से भी आप आ सकते हैं अगर खुद का पास प्राइवेट गाड़ी नहीं होगा तो। यहाँ पे मछली बहुत बड़ा बड़ा मछली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी डूबने होने के कारण इतना क्लियर नहीं है, पानी भी थोड़ा मतलब क्लियर नहीं है अभी, नहीं तो हम लोग को मछली भी दिखा देना था, अगर बाद में सामने में मछली आ गया तो दिखा देगा, बहुत बड़ा है वो, ऊपर से देखा था वैसे भी बहुत बड़ा लग रहा था। और आप यहाँ में रोइंग में आने से आप जिया भी घूम सकते हैं, जिया मतलब एक बस्ती है रोइंग से शायद 10 किलोमीटर समथिंग ही होगा, वहाँ पे एक क्या तो रिसोर्ट है, जिया रिसोर्ट बोल के, बहुत बहुत सुंदर है, अगर बाद में समय होगा तो वो भी आप लोग को दिखा देंगे। और उससे पहले अब हम ये सेली लेक नहीं आने से पहले हम लोग जू गया था आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन जू बंद था शायद, पता नहीं आज बारिश दे रहा है इसलिए बंद होता होगा रोइंग का, इसलिए आप लोग भी अगर आते हैं तो कंफर्म कर लीजिए कि खुला है कि बंद है, नहीं तो बाद में आप लोग आएगा दूर से देखने आएगा तो फिर बंद हो गया बोलने से लॉस हो जाएगा। ये देखिए आप लोग भी यहाँ में आके बोटिंग कर सकते हैं, ये लोग भी बोटिंग कर रहे हैं, ईजी है बोट चलाने के लिए, आप उसे पेडल और ये हाथ जो पीछे का डायरेक्शन मिलाने के लिए होगा, अभी हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे। आंटी लोग भी घूमने आए, यहाँ का आप लोग बाहर गए, सेली लेक घूमने आए, मछली बहुत बड़ा बड़ा लाए तो इसमें नहीं बगते, ये लोग ऐसे खोल के रख दिया ना, लेकिन नहीं बगते, ऊपर तरफ भी इतना बड़ा बड़ा लोग तो दिख रहा था, उल्टा लालची हो गया। नेक्स्ट टाइम आएगा तो अभी हम दोनों वो बोट से ट्राई करेंगे, वो ब्लू वाला बोट 200 हम ये पानी का जैकेट ना लाइफ जैकेट, और यहाँ दो झूला बन के रखा हुआ है, इसमें आप आने से गर्म जब डूब देगा गर्म होने से आपको बैठने का जगह भी वो दिया हुआ है, दोबारा रेस्ट कर सकेगा। ओहो ये गर्म हो गया शायद ना, ये बारिश का पानी है, पूरा पानी भरती हो गया उसमें, इसमें देखिए वो एक ही शायद ठीक है और ये दूसरा ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग ये जिया पहुंचे, जिया यहाँ में अभी देखने के लिए, यहाँ में फाउंटेन मैंने रिपे ला दू थकम गम एक का कितना 30 एक आदमी का 30 रुपीस ना, एक आदमी का 30 रुपीस ना। इसमें क्या क्या देखने के लिए दीदी? तो स्विमिंग पूल का तूने फाउंटेन है तो वाटर सप्लाई तुम हो गई, रोइंग तो मैं सप्लाई तुम ओ जिया ओ जिया लोग का शांतिपुर लोग नहीं अम नहीं जे सोलर वाटर पूल है तो दोस्तों ये इसका नाम है सोलर वाटर पूल लेक, और ये साथ साथ में पार्क भी है ना, आपको यहाँ में घूम सकते हैं। ये देखिए फाउंटेन, और इसमें हम लोग आया है साथ में, आप लोगों का नाम क्या है? शर्म लग रहा है, कहाँ का है आप लोग? जिया का, जिया बस्ती का। ये देखिए यहाँ से वाटर सप्लाई करते है बोलते हैं, जिया से लेके शांतिपुर तक, और साथ में आज को आया है हम लोग, ये मौसी उसने बोला, और ये मेरा दीदी दीपाली,
ये तो मेरा दोस्त, और ये मौसा, ये देखिए बहुत सुंदर सा है। ये पानी टैंकी ऊपर से रोइंग रोइंग जो टाउन टाउन जो थोड़ा ज्यादा अप हो गया, इसलिए वो लोग यहाँ से कैपेसिटी उतना नहीं है सप्लाई करने का, इसलिए वो लोग यहाँ से जिया से लेके ये शांतिपुर तक सप्लाई करते बोलते हैं यहाँ का पानी से। और यहाँ में नेचुरल वाटर है, यहाँ से नेचुरल वाटर कुछ ग्राउंड से निकलते है, स्प्रिंग वाटर जिसको बोलता है। गाइस ये देखिए फाउंटेन, और ये शाम और रात को, अगर जब अब आएगा शाम को तो इसमें आप थोड़ा अंदर होने का, शाम होने से इसमें लाइट जला देते हैं, लाइट पूरा कलरफुल होता है इसमें अलग अलग से लाइट। ये दो है ऐसे वाला फाउंटेन, ये एक हो गया तो ये देखिए ये शाम को बहुत सुंदर होता है नज़ारा, और वो ऊपर से लेने से और भी सुंदर है क्योंकि यहाँ से अभी ले रहे तो ये गच्ची डिस्टर्ब कर रहा है, ये देखिए। और ये जगह का नाम है सोलर वाटर प्रोजेक्ट, ये एक वाटर प्रोजेक्ट है जहाँ से पानी सप्लाई होता है, लेकिन साथ साथ में एक पार्क भी है यहाँ का, आप व्यू मजा है यहाँ से, आप फैमिली का साथ, अगर फैमिली वाला है तो फैमिली का साथ आ सकता है, जवान है तो अपना गर्लफ्रेंड का साथ आ सकता है, आप सिंगल होगा तो अपने दोस्तों के साथ घूमने आ सकते हैं। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, ये देखिए यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, जब डूब होगा तब जाएगा, और वो आगे में भी स्विमिंग पूल है, बाद में आप लोगों को दिखाएगा वहां जाके। अच्छा यहाँ भी एक फाउंटेन था, वो देखिए वो पानी में वो अभी नहीं चल रहा है, शायद खराब हो गया। ये देखिए यहाँ से ये पानी पाइप है, यहाँ से पानी खींचता है और ऊपर टैंकी का, और यहाँ से जाता है पानी ये पाइप का थ्रू टैंकी तक पहुंचता है, फिर वहां से सप्लाई होता है ये कर करके। एक नहीं दो है, नीचे भी एक है, एक दो तीन चार, टोटल चार है, लेकिन दो अभी नहीं चल रहा है, शायद खराब हो गए हैं ना पता नहीं। ये देखिए एक सुंदर से छोटा सा ब्रिज बना दिया, और वहां में आप देख सकते हैं अपना मासूबा के साथ। ये देखिए चारों तरफ बना दिया है आपको रेस्ट करने का जगह। दोस्तों ये देखिए यहाँ में दो स्विमिंग पूल बना के रख दिया है, आपको सिर्फ 30 रुपीज दे के घूमना भी है, साथ में आप इसको भी घूम के देख सकते हैं नजारा, और यहाँ साथ में आप नहा भी सकते हैं, इतना सुविधा। स्वीट पोटेटोस अलग अलग किस्म का है, ये अलग था, फिर वो ऊपर वाला, ओ ये देखिए हाँ एक ग्रीन ये वाला, और वो ब्रिंजल, हाँ पिंक है ना ब्रिंजल है, और ब्रिंजल ब्रिंजल वाला भी है, वो देखिए ये देखिए पानी कितना साफ है, वो क्लियर है। ये भी स्प्रिंग वाटर है अंडरग्राउंड, मछली ऊपर में मछली दो तीन मछली देखा था बड़ा वाला, ऐसे तो नहीं दिख रहे, छोटा छोटा लगे, सेली लेक का मछली जो बहुत बड़ा था वो, तो वहाँ पे तो मेरा साइज का भी होगा बोले, मेरा तो 60 kg है, तो सोच के देखिए इतना बड़ा मछली, या एक्वेरियम गाली मिटा गया कमी भाई, क्या बोलते हैं मांस का है, मांस में ये ना टेंगा मांस में, ये देखिए मछली। ये स्विमिंग पूल वैसे उतना गहरा भी नहीं है, अब जहाँ में नहा सकते हैं, दिन को आने से गर्म होने से आप नहा सकते हैं। और ये जगह का ये जो प्रोजेक्ट है वाटर प्रोजेक्ट है, ये जिया बस्ती में है, रोइंग का एक बस्ती है जिया बस्ती, ओ वो देखो बड़ा वाला, आप लोग देख रहे हैं क्या, आप लोग दिख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वो देखिए नया आप लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो देखिए ना उतना बड़ा नहीं है पर भी बड़ा है, 1 kg से होगा, 1 kg होगा, वो देखिए फाउंटेन यहाँ भी एक था और ऊपर भी,
फिर अभी फोटो हो जाएगा, मेरा वीडियो में हम डाल लेगा, आ जाएगा। ये रेस अभी रेस कर सकते हैं। ये देखिए चेयर प्लास्टिक का बना हुआ है ना, तो वैसे अभी देखिए हमें इस टाइप से फोटो से ना अभी फोटो वोटो खींच रहे। उसके बाद अभी देखिए ये पीछे देखिए अभी आ गया बहुत सुंदर सा। ये देखिए ये लोग भी फोटो ले रहे हैं, बहुत सुंदर है, वाव। ये देखिए रात को आप शाम को आएगा तो आपको इसका लाइट जलते हुए दिखाई मिलेगा, बहुत सुंदर सा। क्या आप लोग बाहर से आए, कहाँ से आए आप लोग? मेका मेका बस्ती से, वाह।